तबारक तआला ने ज़मीन को पैदा किया हमारे लिए, आसमानों को पैदा किया हमारे लिए, जंगलात को पैदा किया, सूरज चांद सितारों को, हर जगह कायनात की हर चीज़ को हमारे फ़ायदे के लिए पैदा किया। अब हमें किस मकसद के लिए पैदा किया गया? हर चीज़ को हमारे मकसद के लिए पैदा किया गया। अब हमने सोचना ये है कि हम किस मकसद के लिए पैदा किए गए। हमारा मकसद कुरान करीम बार बार हमें याद दिलाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि और मैंने जिन और इंसान इसलिए पैदा किए ताकि वो मेरी इबादत करें, ताकि वो मेरी मार्फत हासिल करें, मेरी पहचान हासिल करें। अब सोचने की बात यह है, एक बार रहमतुल्लाह तआला ने हमें एक शेर में ये बात समझाई कि ना तो ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, ना तो ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। आगे फरमाया कि मकाम परवेश आह नाला है ये चमन, ना सैर गुल के लिए है ना आशियाँ के लिए। आपने कहा कि आह नाला का मतलब ये इश्क है। हम इस दुनिया में सैर व तफरी करने के लिए नहीं आए, हम इस दुनिया में बंगले कोठियाँ जायदाद बनाने के लिए नहीं आए, बल्कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या था कि आह नाला यानी हम अल्लाह तबारक तआला के साथ मोहब्बत करें, हम अल्लाह तबारक तआला की मोहब्बत को अपने दिल में परवान चढ़ाएं, दिन ब दिन इस मोहब्बत में इजाफा ही करते चले जाएं। इस काम के लिए हमें अल्लाह तबारक तआला ने इस दुनिया में भेजा। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। फरमाया तो अपने रब का नाम याद करो और सब से टूट कर उसी के हो जाओ। अब तबत्तल का माना फरमाया कि दिल अज दुनिया बुरीदन, यानी दिल से दुनिया को निकाल फेंकना। गोया के फरमाया जा रहा है कि इस दुनिया को अपने दिल से निकाल कर फेंको और सिर्फ अल्लाह तबारक तआला के हो जाओ, जिस मकसद के लिए अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें पैदा फरमाया।